सांप की तस्करी अब आम बात हो गई है। ग्रामीणों को भी अब पता होता है कि यह सांप करोड़ों में बिकता है। ऐसे ही पांडुरना निवासी अवधेश साहू को खेत में काम करते हुए दो मुंह वाला सांप मिला, जिसके बाद युवक को किसी ने बताया कि यह सांप बहुत महंगा बिकता है। सांप के खरीदार ने सांप खरीदने के लिए परासिया बुलाया और सही समझौता नहीं होने पर वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान चार युवकों ने दंपत्ति का बैग चुरा लिया, जिसके बाद बड़कूड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बैग में 2,00,000 रुपए थे। जिसके बाद पुलिस ने जब चोरों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से दो मुंह वाला सांप निकला। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। सभी आरोपियों पर वन प्रणाली अधिनियम के तहत मामला कायम कर कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति जो सौसर का रहने वाला है, उस वह इस तरफ कोई सांप आप लेके घूम रहा है, खेत से निकल रहा है। कैसे मिला ये आपको? सर खेत में काम कर रहे तब मिला है। ये काम करने के लिए बोल रहे थे। क्या काम है? ये पैसे का। कैसा पैसा बताओ? मतलब पैसे की झड़ती होती है इस टाइप से बोल रहे।